Dear students, today class 11th mathematics, R.D. Sharma, chapter 2nd relations. We are going to start exercise 2.2, level 1st. Question number 1st. Given A is the set of 1, 2, 3, B is the set 3, 4, C is the set 4, 5, 6. फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी. देखिए तीन सेट दिए हुए हैं ए बी सी, तो हमको ए क्रॉस बी मीन्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी क्रॉस सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का एक ऐसा सेट होता है जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो हमारे फर्स्ट सेट से रहेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से रहेगा. तो ऐसा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पहले ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और फिर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं. तो पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले ए सेट लिख लो 1, 2, 3 क्रॉस बी सेट 3, 4. अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए ऑर्डर्ड पेयर का सेट, तो पहले इस 1 को मैं 3 के साथ भी ले लेता हूं और 4 के साथ भी ले लेता हूं. 1, 3, 1, 4. फिर इस 2 को 3 के साथ भी ले लो और 4 के साथ भी ले लो, तो 2, 3, 2, 4. अब इस 3 को 3 के साथ ले लो और 4 के साथ ले लो, 3, 3 एंड 3, 4. बस ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में आप नोटिस करो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये फर्स्ट सेट से रहेगा और जो सेकंड एलिमेंट है 3, 4, 3, 4, 3, 4 ये सब सेकंड सेट से रहेगा. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आ गया. अब ऐसा ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी निकाल लेते हैं. एंड बी क्रॉस सी, पहले बी सेट लिख लो, बी सेट है 3, 4 क्रॉस सी सेट है 4, 5, 6. अब यहां भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट लिखना है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो बी सेट से रहेगा ऑर्डर्ड पेयर का और जो सेकंड एलिमेंट रहेगा वो सी सेट से रहेगा. तो मैं इस 3 को 4 के साथ भी ले लेता हूँ, 5 के साथ भी ले लेता हूँ और 6 के साथ भी ले लेता हूँ. तो 3, 4, 3, 5, 3, 6 और इस 4 को 4 के साथ भी ले लो, 5 के साथ भी ले लो और 6 के साथ भी ले लो, 4, 4, 5 एंड 4, 6. ये बी क्रॉस सी आपका ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट आ गया जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट यहाँ पर बी है तो बी से है, 3 और 4 ही रहेगा और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड सेट मतलब सी सेट से रहेगा 4, 5, 6. अब हमको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये दोनों अपने पास में निकाल लिए हमने, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लेते हैं. देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, देखो इसमें ध्यान से, 1, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 1, 4 इसमें है इसमें नहीं है, 2, 3 भी इसमें नहीं है, 2, 4 भी इसमें नहीं है, 3, 3 भी इसमें नहीं है, 3, 4 ये 3, 4 दोनों के अंदर है. तो ये 3, 4 वाला जो एलिमेंट है ये दोनों सेट के अंदर कॉमन है और बाकी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन में केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर आएगा 3, 4 और यही हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2nd, इफ ए इज द सेट 2, 3, बी इज द सेट 4, 5 एंड सी इज द सेट 5, 6. ये तीन सेट गिवन है, तो फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, एक तो हमको ये निकालना है, दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना है और थर्ड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है. तो एक एक पार्ट हम लेते जाएंगे इसका. तो पहले हम ए क्रॉस बी यूनियन सी कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए सबसे पहले इसके लिए B यूनियन C निकालते हैं हम और उसमें उसका फिर A के साथ में क्रॉस ले लेंगे. तो
बी यूनियन सी पहले बी सेट 4.5, यूनियन सी सेट 5.6। अब यूनियन है तो फर्स्ट सेट के भी एलिमेंट आ जाएंगे और सेकंड सेट के भी एलिमेंट आ जाएंगे, जो एलिमेंट कॉमन है उनको एक बार लेना है। तो बी यूनियन सी हो जाएगा 4.5, आप इसमें 5 को लिख चुके हैं, 6 को लिख लो, 4.5.6 ये आ गया बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ में क्रॉस निकाल लेते हैं, देयरफोर ए क्रॉस बी यूनियन सी, पहले ए वाला सेट लिख लेता हूं मैं, ए वाला सेट है 2.3, क्रॉस बी यूनियन सी वाला सेट हमने निकाले है 4.5.6। अब इन दोनों का क्रॉस निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर के सेट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट सेट मतलब ये 2.3 से होगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा ये 4.5.6 में से होगा। तो पहले इस 2 को मैं 4 के साथ भी ले लेता हूँ, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी, ऑर्डर्ड पेयर इसका 2.4, 2.5, 2.6। उसके बाद इस 3 को 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ ले लो, तो 3.4, 3.5 एंड 3.6, ये हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया, यही आंसर हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब इसका दूसरा पार्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ, फिर उसके साथ उसका ए के साथ में क्रॉस निकाल देंगे। बी इंटरसेक्शन सी पहले बी सेट लिख लो 4.5, इंटरसेक्शन सी सेट 5.6, इन दोनों का इंटरसेक्शन में कॉमन देख लो क्या है, तो एलिमेंट 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो कॉमन एलिमेंट आ जाएगा 5। तो ये बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास में 5 आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ में क्रॉस ले लेते हैं, देयरफोर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पहले ए सेट 2.3, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट है 5। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट ये सेकंड सेट 5 से होगा। तो इस 2 को 5 के साथ में एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो इसका 2.5, अब इस 3 का भी आप 5 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर ले लो 3.5। तो ये आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट हो गया। अब ये थर्ड पार्ट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है, तो इसके लिए मैं पहले ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं और फिर ए क्रॉस सी निकाल लेता हूं, दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो ए क्रॉस बी ए है आपका 2.3, क्रॉस बी है 4.5। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से और सेकंड एलिमेंट इस सेट से, तो 2 को 4 के साथ भी ले लो और 5 के साथ भी ले लो, 2.4, 2.5। अब 3 को इस 3 को 4 के साथ भी ले लो और 5 के साथ भी ले लो, 3.4 एंड 3.5, ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब ऐसे ही ए क्रॉस सी और निकाल लो, एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू ए सेट है 2.3, क्रॉस सी सेट है 5.6। फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट इस सेट से, पहले 2 को मैं 5 के साथ भी ले लेता हूं और 6 के साथ भी ले लेता हूं, तो 2.5, 2.6। फिर इस 3 को 5 के साथ भी ले लो और 6 के साथ भी ले लो, तो 3.5 एंड 3.6, ये ए क्रॉस सी भी आ गया। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन, तो इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार, देयरफोर
A cross B union A cross C is equal to, पहले A cross B के सारे ordered pair लिख लेता हूँ मैं, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, आप A cross C का ये 2, 5, 2, 5 लिख चुके हैं यहाँ पे, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है। 2, 6, 2, 6 नहीं लिखे तो 2, 6 को लिख लो, 2, 6, 2, 6 के बाद 3, 5, 3, 5 लिख चुके हैं, डबल लिखने की जरूरत नहीं है, और 3, 6 नहीं है इसके अंदर, तो 3, 6 को और लिख लो, 3, 6। तो ये आपका A cross B union A cross C हो गया, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए इज द सेट ऑफ 1, 2, 3, बी इज द सेट 4, सी इज द सेट 5, देन वेरीफाई दैट, ये तीन पार्ट है 1, 2, 3, इनको हमको वेरीफाई करना है, ए बी सी तीन सेट किए, तो मैं एक एक पार्ट ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले बी यूनियन सी निकालते हैं, उसका ए के साथ क्रॉस निकाल लेंगे, उसको इक्वेशन 1 दे देंगे, फिर ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और फिर ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, दोनों का यूनियन निकालेंगे, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो पहले बी यूनियन सी निकाल रहा हूँ मैं, बी यूनियन सी, तो बी सेट है हमारे पास में 4, यूनियन सी सेट है 5, तो बी और सी का जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा, 4, 5। अब इसका ए के साथ में क्रॉस निकाल लेते हैं, देयरफोर ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए सेट लिखो, ए सेट है 1, 2, 3, क्रॉस बी यूनियन सी वाला सेट हमने निकाले 4, 5। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, तो ऑर्डर्ड पेयर के सेट लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से रहेगा, सेकंड एलिमेंट इस सेट से रहेगा, तो पहले 1 को मैं 4 और 5 के साथ लिख लेता हूँ, 1, 4, 1, 5, अब इस 2 को 4 और 5 के साथ लिख लो, 2, 4, 2, 5, और थर्ड एलिमेंट ये 3 को 4 के साथ और 5 के साथ लिख लो, तो 3, 4 एंड 3, 5, इतने एलिमेंट आ गए ए क्रॉस बी यूनियन सी में, इसको इक्वेशन 1 दे दो, दिस इज इक्वेशन 1। अब ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए सेट है 1, 2, 3, क्रॉस बी सेट है 4, फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट, इस 1 को 4 के साथ लिख लेते हैं पहले, 1, 4, फिर 2 को 4 के साथ लिख लो, 2, 4, फिर 2 को, फिर इस 3 को 4 के साथ लिख लो, 3, 4, हो गया। आप ऐसा ही A क्रॉस C भी निकाल लो, एंड A क्रॉस C, A क्रॉस C, A सेट है 1, 2, 3, क्रॉस C सेट है 5, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ जाएगा, इस 1 को पहले 5 के साथ लिख लो, 1, 5, फिर 2 को 5 के साथ लिख लो, 2, 5, फिर 3 को भी 5 के साथ लिख लो, 3, 5, ये आपका A क्रॉस C आ गया, और ये A क्रॉस B, दोनों का हमको यूनियन चाहिए, तो इनका यूनियन ले लो, देयरफोर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब यूनियन के अंदर दोनों सेट के A क्रॉस B और A क्रॉस C के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उसको एक बार लिखें, तो पहले मैं A क्रॉस B वाले लिख देता हूँ, 1, 4, 2, 4, 3, 4, हमने ए क्रॉस बी के लिख दिए, अब ए क्रॉस सी के लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, 1, 5 नहीं लिखे हमने, 1, 5 को लिख दो, 1, 5, 1, 5 के बाद 2, 5, पहले से नहीं लिखा है तो 2, 5 को भी लिख देंगे,
2.5, उसके बाद 3.5, 3.5 नहीं लिखा था, इसको भी लिख दो 3.5, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। ये आपका ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन आ गया, हमने इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, और इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड 1.4, 2.4, 2.5, 3.4 और 3.5 एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर, तो दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इसके लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू से हो जाएगा ये ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, और यही हमको प्रूव करना था। एंड प्रूव, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट सेकंड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ और इसका ए के साथ क्रॉस निकाल लेंगे, फिर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों इक्वेशन से ये दोनों चीजें इक्वल आ जाएगी। तो पहले बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी सेट है 4, इंटरसेक्शन सी सेट में एक ही एलिमेंट है इसमें भी 5, दोनों के अंदर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, देखो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसमें 4 है इसमें 5 है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 या नल सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट 5 आ गया। अब इसका बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ क्रॉस निकालते हैं, देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए सेट है आपका 1.2.3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हमने 5 निकाले। अब देखिए ये इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जिन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब ये तो नॉन एम्प्टी है लेकिन ये एम्प्टी सेट है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 1, 2, 3 क्रॉस 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो 5 हो जाएगा। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। आप ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालते हैं पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन ले देंगे। ए क्रॉस बी, ए सेट है 1.2.3 क्रॉस बी सेट है 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट, इस 1 को पहले 4 के साथ ले लो 1.4, फिर 2 को भी ले लो 4 के साथ 2.4, फिर 3 को भी ले लो 4 के साथ 3.4, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। एंड ऐसे ही ए क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए सेट है 1, 2, 3 क्रॉस सी सेट है 5, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट, इस 1 को 5 के साथ ले लेते हैं पहले 1.5, फिर 2 को भी ले लो 5 के साथ और फिर 3 को भी ले लो 5 के साथ, ये आ गया आपका ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का क्या चाहिए, हमको इंटरसेक्शन चाहिए, देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, देखो दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है, इसमें 1.4 है इसमें 1.4 नहीं है, इसमें 2.4 है इसमें 2.4 नहीं है, इसमें 3.4 है इसमें 3.4 नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों के अंदर, तो इनका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों के राइट साइड में 5 है, एम्प्टी सेट है, तो दोनों के लेफ्ट साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेकंड से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और यही हमको प्रूव करना था। एंड प्रूव्ड।
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस। तो पहले हम बी माइनस सी निकालते हैं, फिर उसका ए के साथ में क्रॉस निकाल लेंगे, फिर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल के उसमें से माइनस, या निकला हुआ है पहले से ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, उसी का यूज कर सकते हैं या फिर से भी निकाल सकते। तो सबसे पहले बी माइनस सी, बी माइनस सी आपको पता है बी सेट पहले 4 माइनस सी सेट है 5। अब माइनस वाला सेट कैसा रहता है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो रहते हैं और सेकंड सेट के एलिमेंट को उसमें से हटा देते हैं, तो 5 इसमें 5 है ही नहीं, तो अब इसी के एलिमेंट आएंगे तो इसमें केवल 4। जो एलिमेंट इस माइनस वाले सेट में रहता है अगर वो इसमें रहता तो अपन इसमें से कट कर देते हैं, अब इसमें 5 है इसमें है ही नहीं तो छोड़ दो उसको, अब इस सेट में जो बचे वाले एलिमेंट है वो लिख दो, क्या आ जाएगा इसमें 4 आ गया, तो b माइनस सी आ गया 4। अब इसी का a के साथ में क्रॉस निकाल दो, देयरफोर a क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू a सेट है 1, 2, 3 क्रॉस b माइनस सी वाला सेट निकाले हमने 4। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर में इस 1 को 4 के साथ ले लेते हैं, 1, 4, फिर 2 को भी ले लो 4 के साथ, फिर 3 को भी ले लो 4 के साथ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया दोनों का। अब इसको दे रहे थे हम इक्वेशन फर्स्ट, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, अब हमको चाहिए ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, या पीछे से भी देख सकते हैं आप, मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए सेट है 1, 2, 3 क्रॉस बी सेट है 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, तो 1 को 4 के साथ ले लो 1, 4, फिर 2 को भी 4 के साथ ले लो 2, 4, फिर 3 को भी 4 के साथ ले लो 3, 4। आप ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए सेट है 1, 2, 3 क्रॉस सी सेट है 5। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पहले 1 को 5 के साथ ले लो 1, 5, फिर 2 को भी ले लो 5 के साथ, फिर 3 को भी ले लो 5 के साथ, इसको ये ए क्रॉस सी आ गया। अब ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, देयरफॉर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, दोनों साइड लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी वाला साइड हमने निकाले हैं 1, 4, 2, 3, 4 माइनस ए क्रॉस सी हमने निकाले हैं 1, 5, 2, 3, 5 अब ये माइनस हो रहा है तो जो ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है उसको कैंसिल कर लो, ये 1, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 2, 5 इसमें है इसमें भी नहीं है, 3, 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो ये जो फर्स्ट सेट है इसी के एलिमेंट आएंगे, तो विच इज इक्वल टू 1, 4, 2, 4 और 3, 4, बस इतने तीन ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। इसको लेट सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड दे दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो 1, 4, 2, 4, 3, 4 दोनों के राइट साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते, 1 एंड 2, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इज द सेट 1, 2, बी इज द सेट 1, 2, 3, 4, सी इज द सेट 5, 6, डी इज द सेट 5, 6, 7, 8, वेरीफाई दैट, ये दोनों पार्ट को हमको वेरीफाई करना है, तो हम एक एक पार्ट ले लेते हैं। पार्ट फर्स्ट, ए क्रॉस सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का प्रॉपर सबसेट है। देखिए प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि ए क्रॉस सी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी क्रॉस डी के अंदर भी लाई करेंगे, लेकिन बी क्रॉस डी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस सी के इक्वल नहीं हो सकते, इसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा रहेंगे, मतलब ये सुपर सेट रहे।
ऐसा हमको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम पहले ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं और बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, तो सीधा सीधा आपका ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर भी लाइव करेगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो पहले ए क्रॉस सी निकालता हूँ मैं, ए क्रॉस सी इक्वल टू ए सेट है 1, 2 क्रॉस सी सेट है 5, 6। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा ऑर्डर्ड पेयर का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। तो पहले मैं 1 को 5 के साथ भी ले लेता हूँ और 6 के साथ भी ले लेता हूँ, 1, 5, 1, 6, फिर इस 2 को 5 के साथ भी ले लो और 6 के साथ भी ले लो, 2, 5 एंड 2, 6, ये हो गया ए क्रॉस सी। को एक इक्वेशन दे दो, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसा ही हम बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, एंड बी क्रॉस डी इज इक्वल टू बी सेट है 1, 2, 3, 4 क्रॉस डी सेट है, डी सेट है 5, 6, 7, 8 अब इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 4 तो 4 जा 16 ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट आए। चलिए 1 को पहले 5, 6, 7, 8 चारों के साथ ले लो, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 अब ऐसे ही इस 2 को भी ये चारों एलिमेंट के साथ ले लो एक एक बार, तो 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8 उसके बाद इस 3 को भी चारों एलिमेंट के साथ में ले लो, 3, 5 फिर 3, 6 3, 7 एंड 3, 8 आप ऐसे ही जो लास्ट एलिमेंट है 4 इसको भी चारों एलिमेंट के साथ ले लो, तो 4, 5, 4, 6, 4, 7 एंड लास्ट 4, 8 ये सारे एलिमेंट ले लिए हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बी सेट से है और सेकंड एलिमेंट आपका डी सेट से। अब इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, ये है आपका इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। तो ए क्रॉस प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर होना चाहिए। तो देखते हैं, 1, 5 इसमें है, 1, 5 इसमें भी है, 1, 6 इसमें है, 1, 6 भी इसमें है, 2, 5 इसमें है, 2, 5 भी इसमें है, 2, 6 इसमें है, 2, 6 भी इसमें। तो ए क्रॉस सी के चारों ऑर्डर्ड पेयर जो है 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6 ये बी क्रॉस डी में भी है। इसका मतलब ये बड़ा सेट है इससे और ये वाला सेट छोटा, ये सुपर सेट है और ये सेट है। तो ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर लाइज है। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए क्रॉस सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, उसका ए के साथ में क्रॉस निकाल लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट देंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे, उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो पहले ये निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी सेट है 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन सी सेट है 5, 6। अब दोनों के अंदर इंटरसेक्शन या कॉमन एलिमेंट देख लो, इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 5, 6 है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है एक नल सेट आ गया या एम्प्टी सेट आ गया 5। अब इसका ए के साथ में क्रॉस ले लेते हैं, देयरफॉर ए क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू ए सेट है
वन कॉमा टू क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है फाइव। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो साइड का, तो ये वाला एम्प्टी सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ये तो नॉन एम्प्टी है लेकिन ये एम्प्टी सेट है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मीन्स वो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा फाइव। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसा ही हम ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ए सेट है 1, 2 क्रॉस बी सेट है 1, 2, 3, 4। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा। इस 1 को 1, 2, 3, 4 सबके साथ ले लेते हैं एक एक बार। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। उसके बाद इस 2 को भी हम सबके साथ ले लेते हैं एक एक बार। 2, 1, 2, 2, 3 एंड 2, 4। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। सारे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से है और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से। अब ऐसा ही हम ए क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं। एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, पहले ए सेट 1, 2 क्रॉस सी सेट है 5, 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा। 1 को 5 और 6 के साथ ले लो पहले। 1, 5, 1, 6। अब 2 को भी ले लो 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। 2, 5 एंड 2, 6। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन चाहिए हमको, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। देयरफोर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, देखो ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में क्या कॉमन है। इसमें 1, 1 है, इसमें 1, 1 है ही नहीं। इसमें 1, 2 है, इसमें 1, 2 नहीं है। इसमें 1, 3 है, इसमें 1, 3 नहीं है। इसमें 1, 4 नहीं है, 2, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, इसमें 2, 3 भी नहीं है, 2, 4। मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों के राइट साइड जो है वो 5 के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड को इक्वल लिख दे। फ्रॉम 1 एंड 2 से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और ये ही हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इजिकल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज द सेट 1, 2, 3 बी 3, 4 एंड सी 4, 5, 6 फाइंड। तो ये फाइंड करना हमको चार पार्ट है, एक एक पार्ट लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं और उसका ए के साथ में क्रॉस निकालते। बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी सेट लिखते हैं, 3, 4 है, इंटरसेक्शन सी सेट है 4, 5, 6। इन दोनों में इंटरसेक्शन या कॉमन देख लो, 3 इसमें है, इसमें नहीं, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। ये जो 4 एलिमेंट है दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा, 4, एक एलिमेंट आ गया इसमें 4। आप इसका ए के साथ में क्रॉस निकाल लेते हैं। देयरफोर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए वाला सेट लिखता हूं, 1, 2, 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट निकाले हमने 4। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे इसमें। 1 को 4 के साथ लिख लो, सब एलिमेंट को 4 के साथ लिख लो। 1, 4 फिर 2 को 4 के साथ 2, 4 फिर 3 को भी 4 के साथ 3, 4। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट, तो यही हमारा आंसर हो गया। यह है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर ए क्रॉस सी और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू ए सेट है 1, 2, 3 क्रॉस बी सेट है 3, 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा। 1 को 3 और 4 के साथ ले लेते हैं पहले 1, 3, 1, 4 फिर इस 2 को 3 और 4 के साथ ले लेते हैं 2, 3, 2, 4 फिर इस 3 को भी 3 और 4 दोनों के साथ ले लेते हैं 3, 3, 3, 3 एंड 3, 4 ये हमारा A क्रॉस B आ गया। अब ऐसे ही हम A क्रॉस C भी निकाल लेते हैं एंड A क्रॉस C इज इक्वल टू A सेट है 1, 2, 3 क्रॉस C सेट है 4, 5, 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सेट के अंदर पहले 1 को ले लेते हैं 4, 5, 6 के साथ तो 1, 4, 1, 5, 1, 6 फिर 2 को भी ले लो 2 को ले लो 4, 5, 6 के साथ 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6 उसके बाद एस 3 को भी ले लो 4, 5, 6 के साथ तो 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6 ये आ गया A क्रॉस C। अब A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन लेना हमको therefore A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज इक्वल टू अब ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने उसमें A क्रॉस B A क्रॉस C इसमें कॉमन एलिमेंट देख लो आप कॉमन एलिमेंट क्या क्या है 1, 3 इसमें है इसमें 1, 3 नहीं है इसमें 1, 4 है इसमें भी 1, 4 है एक तो ये कॉमन हो गया 1, 4 उसके बाद 2, 3 इसमें है 2, 3 इसमें नहीं है 2, 4 इसमें है 2, 4 इसमें भी है तो ये 2, 4 वाला कॉमन हो गया एक फिर उसके बाद 3, 3 इसमें है इसमें नहीं है 3, 4 इसमें है 3, 4 इसमें भी है तो 1, 1, 2, 3 ये तीन ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है दोनों के अंदर 3, 4 इसमें भी है और 3, 4 इसमें भी है तो 1, 2, 3 ये तीन ऑर्डर्ड पेयर दोनों के अंदर कॉमन है देयरफॉर क्या आ गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C में लिख लो कॉमन वाले ऑर्डर्ड पेयर 1, 4, 2, 4 और 3, 4 यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड A क्रॉस B यूनियन C तो पहले B यूनियन C निकाल लेते हैं उसका A के साथ में क्रॉस निकाल देंगे B यूनियन C B वाला सेट है 3, 4 यूनियन C वाला सेट है 4, 5, 6 अब इनका यूनियन ले रहे हैं तो फर्स्ट सेट के भी एलिमेंट आ जाएंगे और सेकंड सेट के भी एलिमेंट आ जाएंगे और जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम एक बार लिखेंगे तो पहले 3, 4 पहले 3, 4 ये 4 को लिख चुके हैं 5 और 6 को लिख लो 5, 6 ये आ गया B यूनियन C अब हमको A के साथ इसका क्रॉस चाहिए देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A सेट है 1, 2, 3 क्रॉस B यूनियन C है 3, 4, 5, 6 अब इसका क्रॉस ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ऑर्डर्ड पेयर का सेट इस 1 को 3, 4, 5, 6 के साथ ले लो 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 उसके बाद इस 2 को भी ले लो 3, 4, 5, 6 के साथ तो 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6 उसके बाद इस 3 को भी ले लो 3, 4, 5, 6 के साथ तो 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6 ये आ गया हमारा A क्रॉस B यूनियन
और यही हमारा आंसर है, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4th, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, पहले ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल के उसका यूनियन निकाल लेते हैं। पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए सेट है 1, 2, 3 क्रॉस बी सेट है 3, 4। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर के साथ ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, इस 1 को 3 और 4 के साथ ले लेते हैं पहले 1, 3, 1, 4, फिर इस 2 को 3 और 4 के साथ ले लेते हैं 2, 3, 2, 4, फिर इस 3 को भी 3 और 4 के साथ ले लेते हैं 3, 3 एंड 3, 4। ये आ गया हमारा A क्रॉस B। अब ऐसे ही A क्रॉस C भी निकाल लेते हैं, एंड A क्रॉस C इज इक्वल टू A सेट है 1, 2, 3 क्रॉस C सेट है 4, 5, 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 को 4, 5, 6 के साथ ले लेते हैं 1, 4, 1, 5, 1, 6। उसके बाद इस 2 को 4, 5, 6 के साथ ले लेते हैं 2, 4, 2, 5, 2, 6। उसके बाद इस 3 को भी 4, 5, 6 के साथ ले लेते हैं 3, 4, 3, 5 एंड लास्ट 3, 6। अब हमको A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C निकाल, ये A क्रॉस B A क्रॉस C दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। Therefore, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो इसके अंदर इस A क्रॉस B के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और A क्रॉस C के भी सारे आ जाएंगे, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो पहले मैं इस A क्रॉस B के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख देता हूँ, तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4। ये हमने पूरे लिख दिए इसके, अब A क्रॉस C के भी पूरे लिखना है और जो कॉमन है उसको नहीं लिखना है। 1, 4 अपन लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, 1, 5 को नहीं लिखे तो 1, 5 लिख लो। उसके बाद 1, 6 को नहीं लिखे हैं तो 1, 6 भी लिख लो, 1, 6 भी आ जाएगा। उसके बाद 2, 4 लिख चुके हैं, ये 2, 4 ये इसको रिपीट नहीं करेंगे। 2, 4 के बाद 2, 5 नहीं लिखे तो 2, 5 को लिख लो, 2, 5। उसके बाद 2, 6 को नहीं लिखे तो 2, 6 भी लिख लो, 2, 6। उसके बाद 3, 4 को लिख चुके हैं, मेरा 3, 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। 3, 5 नहीं लिखा हुआ है, 3, 5 को लिख लेंगे। उसके बाद 3, 6 तो 3, 6 नहीं लिखा है, 3, 6 को लिख लो, 3, 6। दोनों सेट के सारे एलिमेंट आना चाहिए, जो एलिमेंट एक बार आ चुके हैं कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, बस यही हमको कैलकुलेट करना था, ये हमारा आंसर हो गया। टेबल सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी एंड सेकंड पार्ट ए क्रॉस बी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ये दो पार्ट हमको प्रूव करना है। तो पार्ट फर्स्ट, ए यूनियन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। अब देखिए यहाँ पर तीन सेट है ए बी सी, अब सेट कौन से ये गिवन नहीं है, तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। सेट गिवन नहीं है तो लॉजिकली अपन यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं, या सेट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली प्रूव करेंगे, आपकी बुक में भी इसको लॉजिकली प्रूव करके बताया है। अब देखो हमको प्रूव करना है ए यूनियन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू दिस, तो ये एक ए यूनियन बी वाला सेट है,
और एक सेट सी, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्रॉस लगा है मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आपको ये मालूम है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ सपोज कर लेता हूँ, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्रॉस सी। मैंने ऐसा सपोज कर लिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यूनियन बी क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका एक एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट एक्स वाई के प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा कि जब एक्स कॉमा वाई इस, ये पूरा एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा एक सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमने एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई ले लिया। अब एक्स कॉमा वाई जब इसका एक एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड सेकंड एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट सी, ऐसा होगा। अब फिर से यहां देखो, अब ये जो एक्स है ये ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का होगा या दोनों का होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का होगा या दोनों का होगा, और ये एंड है तो इसको जैसा का वैसे ही रहने दो इस एंड को, एंड वाई बिलोंग्स टू सी, एंड वाई बिलोंग्स टू सी, वाई जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है। अब इस ए एक्स बिलोंग्स टू ए को वाई बिलोंग्स टू सी के साथ ले लेते हैं एंड का साइन लगा के, और करके इस एक्स बिलोंग्स टू बी को वाई बिलोंग्स टू सी के साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, ये एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने, और इस एक्स बिलोंग्स टू बी को वाई बिलोंग्स टू सी के साथ भी ले लो एक ब्रैकेट में। तो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी, ऐसा हो जाएगा ये। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है और वाई जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है। तो एक सेट ए है और एक सेट सी है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ऐसा लिख सकते हैं इसको आप, कि एक्स जो है अगर ए से बिलोंग कर रहा है और वाई जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी एक्स कॉमा वाई इससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी को हम एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, और ये और है तो और रहने दो ऐसे ही। और यहां देखो एक्स बिलोंग्स टू बी है एंड वाई बिलोंग्स टू सी है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी, एक्स जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है और वाई जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कॉमा वाई जो है वो बी क्रॉस सी का एक एलिमेंट। अब इस और के साइन को अपन यूनियन लिख सकते हैं, इस और के साइन को अपन यूनियन लिख सकते हैं। तो यहां क्या आ गया कि एक्स कॉमा वाई जो एलिमेंट अपन ने ए यूनियन बी क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा था, तो अब एक्स कॉमा वाई जो है वो ए क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है, और इस और को अपन यूनियन बोल सकते हैं, और यही वाला एक्स कॉमा वाई जो है ये बी क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, ये और के लिए मैंने यूनियन का साइन लगा दिया, और इसको एक ही बार लिखा एक्स कॉमा वाई को, एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स कॉमा वाई बी क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो मैंने एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी और ये और को यूनियन लिख दिया बी क्रॉस सी। अब देखो ये पूरा का पूरा जो है ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी हमारा राइट साइड के इक्वल आ गया, ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी ये आ गया एक्स कॉमा वाई बिलोंग के इक्वल, और हमने
ये वाला हमने कंसीडर किए थे, ए यूनियन बी क्रॉस सी बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए कि ये जो एक्स कॉमा वाई है वो ए यूनियन बी क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है, और यही वाला एक्स कॉमा वाई वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो देयरफोर ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, देयरफोर ए यूनियन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, हैंस प्रूव। यही हमको प्रूफ करना था, हमने इसको थोड़ा सा लॉजिकली प्रूफ किए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। इसको भी हम वैसे ही प्रूफ करेंगे लॉजिकली कि ये ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो साइड का, तो हम इसका एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ले लेते हैं। तो डेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ऐसा मैंने ले लिया है कि एक्स कॉमा वाई जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि एक्स कॉमा वाई जो है वो इससे भी बिलोंग करेगा। बस तो अब देखो ये ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसलिए इसका एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक्स कॉमा वाई। अब आपको मालूम है ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो फर्स्ट सेट से रहता है और सेकंड एलिमेंट जो रहता है वो सेकंड सेट से रहता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देन एम्प्लाइज साइन को देन बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए इंटरसेक्शन बी एंड जो सेकेंड एलिमेंट है वाई बिलोंग्स टू ये सेकेंड सेट सी, ऐसा हो गया। अब यहाँ फिर से देखो x जो है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b का मतलब है x जो है वो a के अंदर भी होगा और b के अंदर भी होगा, ये कॉमन एलिमेंट है। देन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x a और b दोनों से बिलोंग कर रहा है एंड ये y बिलोंग्स टू c को, ऐसी रहने दो। अब देखो ये ब्रैकेट में दो चीज आ गई और ये ब्रैकेट के बाहर आ गए, तो इनको एक एक के साथ ले लेते हैं हम, ये एंड y बिलोंग्स टू c को इसके साथ ले लो एंड ये वाला x belongs to b को इसके साथ ले लो, then x belongs to a and y belongs to c and ये आपका and, ये बाहर का बाहर ही है ये वाला and। अब x comma x belongs to b and y belongs to c ले लो, x belongs to b and y belongs to c, ऐसा हो गया। अब यहां देखो x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो c से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c, a क्रॉस c से बिलोंग करेंगे x कॉमा y, a x a से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो c से बिलोंग कर रहा है, तो a क्रॉस c एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसका एक एलिमेंट x कॉमा y हो गया, जहां पर x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और y जो है c से बिलोंग कर रहा है, ऐसा ही एंड एंड को अपन इंटरसेक्शन लिखेंगे। अभी x जो है b से बिलोंग कर रहा है एंड y जो है c से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x comma y belongs to b cross c, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसका एक एलिमेंट x comma y है, तो x जो है फर्स्ट सेट b से बिलोंग कर रहा है और y जो है सेकंड सेट c से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ देखो ये x कॉमा y इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी बिलोंग कर रहा है और ये x कॉमा y इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको इकट्ठे लिख सकते हैं ऐसा, देन x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c एंड b क्रॉस c दोनों से बिलोंग कर रहा है। अब इस एंड के साइन को हम इंटरसेक्शन लिख सकते हैं और या देन x कॉमा y belongs to a cross c intersection b cross c। देखो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि x comma y belongs to a cross c intersection b cross c, ये a cross c intersection b cross c हमने कंसीडर किए थे कि x comma y जो है वो ये लेफ्ट साइड a यूनियन a इंटरसेक्शन b cross c से बिलोंग कर रहा था, हमने ये प्रूफ कर दिया कि x comma y जो है इसके राइट साइड a cross c इंटरसेक्शन b cross c से भी बिलोंग कर रहा है, तो therefore A intersection B cross C is equal to A cross C intersection B cross C, hence proved। यही हमको प्रूव करना था, इसको भी हमने थोड़ा सा लॉजिकली प्रूव किए क्योंकि सेट इसके अंदर गिवन नहीं थे, इसलिए हमने ऐसा कर दिए।
क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट फाइव, देन प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ डी। ये कंडीशन हमको दी हुई है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो हम इसके अकॉर्डिंग सपोज कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। देखिए ए क्रॉस बी जो है वो सी क्रॉस डी का सबसेट है। इसका सबसेट है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट आपके सी क्रॉस डी के अंदर भी होंगे। और ए क्रॉस बी इसका सबसेट है या इक्वल टू का साइन लगा, मतलब इन दोनों के अंदर एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर इसमें ज्यादा एलिमेंट रहेंगे इसमें कम रहेंगे, या दोनों में इक्वल एलिमेंट भी हो सकती है। इक्वल का साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड ए क्रॉस बी जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब फाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए सी का सबसेट है और बी जो है वो डी का सबसेट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं कि एट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। हमने ऐसा सपोज कर लिए कि ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका एक एलिमेंट एक्स कॉमा वाई, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसलिए एलिमेंट को हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिया। अब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट एलिमेंट एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट वाई जो है वो बी से बिलोंग करेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इज अ सबसेट ऑफ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड y is an element of b. x जो है वो a का element है और y जो है वो b का element है। इसको एक equation दे देता हूं मैं ऐसा। अब a cross b जो है वो c cross d का subset है, तो x comma y जब a cross b के अंदर है तो ये c cross d के अंदर भी होना चाहिए, होगा। and x comma y belongs to C क्रॉस D also, C क्रॉस D का भी एक एलिमेंट होना जरूरी है इसका, क्योंकि ये A क्रॉस B के अंदर लाई कर रहा है X कॉमा Y और A क्रॉस B C क्रॉस D का सबसेट है, तो X कॉमा Y जो है वो C क्रॉस D का भी एक एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो C से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट जो है वो D से बिलोंग करेगा। तो देन X बिलोंग्स टू C एंड Y बिलोंग्स टू D। इसको इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं हम। अब देखो इसको ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और सेकेंड में x जो है वो c से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि a सेट के अंदर जो एलिमेंट x है वो c सेट के अंदर भी लाई कर रहा है, तो a इज अ सबसेट ऑफ c बोल सकते हैं हम इसको। फ्रॉम वन एंड टू a इज अ सबसेट ऑफ c, a इज अ सबसेट ऑफ c का मतलब a का जो एलिमेंट है वो c के अंदर लाई होना चाहिए। a का एक एलिमेंट x है और a का c का एक एलिमेंट, वही वाला a का एलिमेंट x जो है वो c के अंदर भी लाई कर रहा है। x belongs to c, so we can write a is a subset of c। ऐसा ही सेकंड वाले पार्ट को देखो, एंड y belongs to b है और हमने यहाँ पे y belongs to d आ गया, मतलब y जो है वो b का एक एलिमेंट था और y जो है वो d का भी एक एलिमेंट है, तो ये वाला b is a subset of d भी हो जाएगा एंड b इज अ सबसेट ऑफ डी। सबसेट का मतलब यह है कि ए का जो एलिमेंट है वो सी में भी होना चाहिए और बी का जो एलिमेंट है वो डी के अंदर भी होना चाहिए, और वो इक्वल टू का साइन मतलब इक्वल भी हो सकते हैं। तो वाई जो है वो डी से भी बिलोंग कर रहा है और वाई जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ डी। एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, मीन्स एक्स ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ये दोनों पार्ट आपके प्रूफ हो गए, हेंस बड़ी आसानी से प्रूफ कर दी हमने इसको। तो in this way you can prove this, so this exercise has done. Next exercise we will start in new class. Okay, bye.